सिक्स्थ लेक्चर है सी लैंग्वेज सीरीज़ का, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केप सीक्वेंस इन सी लैंग्वेज। तो स्केप सीक्वेंस इन सी लैंग्वेज जानने से पहले हमें देखना होगा कंसोल विंडो के स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा कंसोल विंडो है, ठीक है। इसमें ये होते हैं कॉलम और ये होते हैं रो, ठीक है। तो ये टोटल 80 कॉलम्स होते हैं कंसोल विंडो में और 25 रोज होते हैं, ठीक है। और ये जो 80 कॉलम्स होते हैं उनमें भी 8-8 का पेयर बना होता है, 8-8 कॉलम का पेयर होता है, उस पेयर को हम टैब कॉलम बोलते हैं। तो टोटल जो होते हैं 80 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 10 टैब कॉलम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टैब कॉलम हो गया मान लीजिए ये, सेकंड टैब कॉलम, थर्ड टैब कॉलम, उसी तरह टोटल 10 टैब कॉलम्स होते हैं। तो स्केप सीक्वेंस क्या करता है? स्केप सीक्वेंस जो होता है वो हमारे कर्सर की पोजीशन को चेंज करता है। जैसे हम बैक स्लैश एन का यूज़ करते हैं तो वो क्या करेगा, वो फर्स्ट रो से कर्सर को सेकंड रो में शिफ्ट कर देगा। जैसे वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में है और हमने बैक स्लैश एन का यूज़ कर दिया तो फर्स्ट सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा कर्सर हमारा, ठीक है। आइए देखते हैं वन बाय वन। स्केप सीक्वेंस का यूज़ हम प्रिंटएफ की मदद से करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है हमारा स्केप सीक्वेंस वो है बैक स्लैश एन, जैसा कि हमने देखा भी एग्जांपल में, इसको बोलते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर। सेकंड है बैक स्लैश टी, इसको बोलते हैं टैब कैरेक्टर। ये क्या करता है, तो ये आप कि अगर मान लीजिए आपका कर्सर फर्स्ट टैब के फर्स्ट कॉलम में है, अगर आपने बैक स्लैश टी का यूज़ किया तो वो सेकेंड टैब के फर्स्ट कॉलम में आपके कर्सर को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। हमेशा नेक्स्ट टैब के फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट होता है कर्सर अगर आप बैक स्लैश टी का यूज़ करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट है बैक स्लैश आर, इसको बोलते हैं कैरियज रिटर्न कैरेक्टर। तो ये क्या करता है, ये आपके मतलब किसी भी कॉलम में हो या किसी भी रो में हो, अगर जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो के 9th कॉलम पे है अगर आपने बैक स्लैश आर का यूज़ किया तो वो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर देगा आपके कर्सर को, ठीक। नेक्स्ट है बैक स्लैश बी, इसको हम बोलते हैं बैक स्पेस कैरेक्टर। ये क्या करता है, तो एक कॉलम पीछे शिफ्ट कर देता है कर्सर को। जैसे आपके फर्स्ट रो के 10th कॉलम पे अगर आपका कर्सर है अभी तो उसको वो फर्स्ट रो के 9th कॉलम पे शिफ्ट कर देगा। नेक्स्ट है बैक स्लैश ए, इसका नाम है अलार्म कैरेक्टर। ये क्या करता है, तो जब हम अपने कोड में बैक स्लैश ए का यूज़ करते हैं तो जब हमारा कोड रन होता है तो वो एक बीप साउंड प्रोड्यूस करता है जब बैक स्लैश ए रन होता है तो, ठीक है। आइए देखते हैं अब हम प्रैक्टिकल। जैसे पहला हमारा बैक है बैक स्लैश एन, हमने यहाँ यूज़ किया है, हमने प्रोग्राम लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main, फिर हमने फंक्शन क्लियर स्क्रीन का यूज़ किया है। तो प्रिंट एफ के अंदर हमने लिखा है हेलो बैक स्लैश एन यूज़र एंड लास्ट में गेट ch। हमने क्लियर स्क्रीन का यूज़ किया है ताकि हमारा जो प्रीवियस आउटपुट हो वो कंसोल विंडो पे ना आए, सिर्फ करेंट आउटपुट ही हमें शो हो। गेट ch का यूज़ किया है हमने ताकि हमें आउटपुट स्क्रीन दिखे, ठीक है। अब हम जैसे अब इस कोड को रन करते हैं तो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले हेलो प्रिंट होगा, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट होगा हेलो प्रिंट होना स्टार्ट। यहाँ इसमें टोटल 5 वर्ड्स हैं, 5 वर्ड्स प्रिंट होंगे। उसके बाद जो आपका कर्सर है वो फर्स्ट रो के 6th कॉलम पे जाएगा होगा, उसके बाद बैक स्लैश एन जब रन होगा तो वो कर्सर को सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम पे शिफ्ट कर देगा, उसके बाद यूज़र प्रिंट हो जाएगा। मतलब हेलो प्रिंट होगा फर्स्ट रो में और यूज़र होगा सेकेंड रो में प्रिंट, दोनों ही फर्स्ट कॉलम से ही स्टार्ट होंगे दोनों रो के, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, ये कंपाइल हो चुका है, हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। एरर्स आ रहे हैं, देखते हैं क्या एरर है। अच्छा, हमने यहाँ .h नहीं लगाया है इसलिए वो
प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, और टेस्ट लगा दिया। अब इसको हम कंपाइल करते हैं पहले, तो जीरो एरर आ चुका है। अब हम इसको रन करेंगे, देखिए अब आउटपुट आ चुका है, हेलो यूज़र। नेक्स्ट है हमारा \t, यहाँ हमने लिखा है हेलो \t यूज़र, तो ये क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से, टोटल 5 वर्ड्स हैं हेलो में, तो उसके बाद वो आपका जो कर्सर होगा वो 6 कॉलम पे होगा, फर्स्ट रो के 6 कॉलम पे, और चूंकि हमने \t का यूज़ किया है तो कर्सर आपके सेकेंड टैब के फर्स्ट कॉलम पे चला जाएगा, मतलब वो 8 के बाद मतलब 9th कॉलम पे चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टैब कॉलम में 8 स्पेसेस ही होते हैं, 8 कॉलम्स ही होते हैं, ठीक है, तो 9th पे जाएगा, 9th कॉलम पे, फिर यूज़र वो प्रिंट करेगा। तो आइए रन करके देखते हैं इसमें क्या आउटपुट आता है। आप देख सकते हैं हेलो, फिर गैप आया, कितना गैप आया होगा, 6th, 7th और 8th, 3 स्पेस का गैप आया, फिर उसने यूज़र प्रिंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा \b, \b क्या करता है, तो ये बैक स्पेस कैरेक्टर है, ये क्या करेगा, जिस कॉलम पे भी आपका कर्सर होगा उस कॉलम से एक बैक आ जाएगा, जैसे वो हेलो प्रिंट करेगा सबसे पहले, और वो कर्सर आपका जो होगा वो 6th कॉलम पे होगा, क्योंकि \b का यूज़ किया है हमने, तो वो कर्सर आपका 5th पोजीशन पे आ जाएगा, 5th कॉलम पे आ जाएगा, उसके बाद उस वो यूज़र प्रिंट कर देगा, मतलब वो यहाँ क्या प्रिंट करेगा, HELL, और उसके बाद आपका कर्सर O पे आ चुका होगा, और वो उसके बाद यूज़र वो प्रिंट कर देगा, मीन्स आउटपुट आएगा HELL देन यूज़र। आइए रन करके देखते हैं क्या आता है आउटपुट। चलिए हमारा बहुत स्लो काम कर रहा है, ये देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट आ चुका है। नेक्स्ट है \r, यहाँ आप देख सकते हैं हमने \r का यूज़ किया है, क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड देन \r देन यूज़र, तो क्या करेगा ये, हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट करेगा पूरा, और उसके बाद चूंकि \r का हमने यूज़ किया है, तो वो कर्सर को स्टार्टिंग में लेके आ जाएगा, मीन्स एच पे लेके आ जाएगा, फिर वो यूज़र से HELL को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा यूज़र OWORLD, ठीक है। इसको हम रन करके देखते हैं, हमने रन किया, ये आप देख सकते हैं आउटपुट आ चुका है। नेक्स्ट है \a, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। हमने \a का यूज़ किया है, हेलो \user, \a यूज़र, उसको रन करते हैं, तो हमने रन किया, देखिए आउटपुट आया हेलो यूज़र, लेकिन इसमें कोई बीप साउंड नहीं आई, क्योंकि मेरे लैपटॉप में एक्चुअली स्पीकर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो आप इस कोड को रन करके देख सकते हैं, ठीक है। मेरे प्रीवियस वीडियोज़ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे लेक्चर।